हेलो एवरीवन टेक ओडिशा यूट्यूब चैनल को मोरंदन आपमनको पुनि थरे स्वागत जानौछि। सो फ्रेंड्स रिसेंटली आपण माने देखिथिबे जे बहुत पिलांकर जो स्कॉलरशिप पैसा सेमानकर बैंक अकाउंट रे क्रेडिट हेइ सारिछि आउ किथि जण एमिति मध्ये अछन्ते जो माने अप्लाई करथिले किंतु वर्तमान सुधा सेमानकर स्कॉलरशिप पैसा अकाउंट को आसी नै। आपण जानिथिबे तार जो सेंक्शन डेट मध्ये चली गलाणी तो काहीं की आसीनी कौन पाई आसीनी से विषय आज मुझे कहना जाऊँगी आउ जो मानकर भी आसीनी सेटा केमिति आसीबो आपनको अकाउंट को आउ कौन करिया पाई पड़ी तापे आपनको सेटा डिटेल रे आमे जानिबा। तो एबे रिसेंटली गोटे नोटिस जारी करछी आमर स्टेट स्कॉलरशिप जो पोर्टल रे से नोटिस टी कौन रही आपको देखे दूची एठी ओपन करी। सो फ्रेंड्स देखंतु मु एठी ओपन करछी आमर स्टेट स्कॉलरशिप रो जो ऑफिशियल पोर्टल को ओपन कला पर एठी आपन टिके तळकु जिवे अनाउंसमेंट सेक्शन रे एटी देखो सेकेंड नंबर देखापे मिले रीओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर द ईयर 2022-23 पोस्ट मैट्रिक एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी एससी ओबीसी ईबीसी स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप सिंपली क्लिक करूँ क्लिक कला पर जो नोटिफिकेशन टी ओपन हो देखो ये ओपन हो सारी। तो ये कौन लिखाई ना ओ डबल एसपी यार मीनिंग ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल रीओपन कर 2022-23 शिक्षा वर्ष 5/4/2023 रु माने अप्रैल 5 तारीख रु ओपन हो गला। तो किटा मुझे बिजी थी तो तुम मूँ इनफर्मेसन दे पारिनी। तो एबे यार जो लास्ट डेट रही लास्ट डेट अच्छी 20 अप्रैल पर्यंत रखाई। तो जो मैंने भी एबे जाए आवेदन करना जो रिवर्टेड आप्लिकेसन को तेल जाकि आवेदन करपर ठीक अच्छे। तो ये तो गला नोटिस कथा जे रिओपन कराई कौ मान रिओपन हो देख नुआ एटी आलाउ हेनी जो मैंने बिल्कुल भी आगु रेजिट्रेसन करना से नुआ रेजिट्रेसन करें ना जो मैंने आगु एप्लाय करते मैंने रिवर्टेड हो जाएगी आप्लिकेसन कौन पर रिवर्ट होता आगे आम देखा भिडियो। तो जो मानक रिवर्ट होने आवेदन करें आठी आवेदन ग्रहण करा ठीक अच्छे। तेल लास्ट डेट रही 20 अप्रैल जाए तो 20 अप्रैल भितर आप करेंगे। तो चलो देखा बर्तमान जो कौन रही प्रोसेस आम हूँ लॉगिन करवा लॉगिन ऊपर क्लिक कला स्टूडेंट लॉगिन आसीबो स्टूडेंट लॉगिन ऊपर क्लिक करो क्लिक कला ये आपको गोटे यूनिक नंबर मागुच आधार नंबर आपंकर जो यूजर आईडी थिला ताको एठी आपण टाइप करनेबे आधार नंबर दे सला परे पासवर्ड आपण जहाँ भी देते अप्लाई कला बेले सेटा को भरिबे। तापर एठी आपण को गोटे मैथ प्रॉब्लम मिलिबो सेटा को आपण सॉल्व करिबे जेमिति कि 6-3 तो एठी मु लेखिबी 3 ठीक अछि। तो चलो मु आईडी पासवर्ड दोउची देन आमे साइन इन करिबा। तो बर्तमान मु एठी आईडी पासवर्ड दे सारछि तो एठी आमे साइन इन उपर सिंपली क्लिक करिबा। साइन इन उपर क्लिक कला परे आपणकर जो एठी साइन इन हे जिवो तो ये आप देखिपे ये गोटे आप्लिकेसन एप्लाय कर गोटे रिवर्टेड हो जाए अर्थात ये पिला को वर्तमान स्कॉलरशिप मिलना मैंने तार अकाउंट को वर्तमान सुधा आसी ना तेल आपको कौन करने पड़ो सिंपली आप स्टेटस देखिपी स्टेटस लिखी कौन रिवर्टेड टू स्टूडेंट्स ठीक अच्छे। तो बर्तमान ये जो रिवर्टेड ऑप्शन अच्छी या उपर सिंपली आप क्लिक करूँ क्लिक कलापर आपर जो रिवर्टेड आप्लिकेसन टी आप निकट में ओपेन होके आसो ठीक अच्छे। तो देखो बर्तमान आसी सारी रिवर्टेड आप्लिकेसन टी आप गोटे रीएप्लायर बटन मिल जाव ठीक अच्छे। तो आक्शन जगह एटी देखो रीएप्लायर बटन मिल जाव कहीं रिवर्टेड होती रिमार्क लिखाई देख जे आपंकर जो आधार नंबर टी सीडेड ना आपंकर बैंक अकाउंट जेहेतु बर्तमान बैंक को आधार नंबर थ्रु रु पैसा आसे तो से आपंकर रिवर्ट हो सारी आप्लिकेसन टी। तो आप शीघ्र जाकि आप बैंक अकाउंट आधार बैंक अकाउंट आधार नंबर को सीडेड करनी जैक सीडेड कर सारापर आप रिअप्लाय करेंगे मन रखु जदि आधार नंबर एवं जाए आप सीडिंग करना बैंक अकाउंट सहित तेल शीघ्र जाकि बैंक में संपर्क करूँ से यही प्रॉब्लम टी कहतु से आपंकर आधार नंबर बैंक अकाउंट सीड करदे ठीक अच्छे। तो ये कर सारापर आप सिंपली रिअप्लाय क्लिक करूँ रिअप्लाय क्लिक कलापर यापर आपर जो आप्लिकेसन टी एभिया भाव में ओपेन होकर आसो। तो ये आप देखिपे बर्तमान ये पिलाटी जाकि निजर आधार को सीड कर निजर बैंक अकाउंट रे तो ये लिखिक आसी जाऊँगी योर आधार इज सीडेड विथ योर बैंक अकाउंट एंड स्टेटस इज एक्टिव। तो बर्तमान आप रिअप्लाय करें आप सिंपली आप सब डिटेल्स तो आगर थी तो आप जावल सबमिट करार अच्छी। तो सबमिट केमी करें आप प्रथम ये जो चारिटा ऑप्शन आपको देखा मिलूँ स्टूडेंट प्रोफाइल इनफॉरमेशन एकेडमिक इनफॉरमेशन एलिजिबिलिटी इनफॉरमेशन अकाउंट इनफॉरमेशन। तो सिंपली आप लास्ट स्टेप को जातु अकाउंट इनफॉरमेशन तापर एठी आपण आई ए ग्रुप रे क्लिक करिवे आई ए ग्रुप रे क्लिक कला परे आपण सिंपली तळकु जिवे तळकु गला परे एठी नेक्स्ट उपर क्लिक करिवे त नेक्स्ट उपर क्लिक करंतु या परे आपणकर एठी शो कर जिवो बैंक इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली तो ओके उपर क्लिक करंतु
ओके कला परे आपणकर जो एप्लीकेशन रे प्रीव्यू आपनको एटी शो कर जीवो आपण आउथरे चेक करनियंतु जे सब किछ ठीक अछि कि नाही। जदी सब किछ ठीक अछि ताले एठी आपनको सब जक बॉक्स रे टिक करिवार अछि त सब बॉक्स को सिंपली टिक कर सला परे एठी आपण कन्फर्म उपरे क्लिक करनेबे। तबर प्रोसीड टू अप्लाई द स्कॉलरशिप देन यस उपरे क्लिक करंतु। देखंतु वर्तमान आपनकर जो स्कॉलरशिप टी कांग्रेचुलेशन मेसेज आसी जीवो आ एप्लीकेशन सक्सेसफुली रीअप्लाई हे जीवो। तो यह भाया भाव में आपड़ निजर आप्लिकेसन को रीअप्लाय करेंगे। आपणकर टंका जो बैंक को आसी नथिला सी किछि दिन मध्य भेरीफाए होकर आपण बैंक को आसीजीव। ठीक अच्छे तो जो मैंने भी बर्तमान सुधा करना ये जिनसटी जाकि शीघ्र करनी बहुत सुवर्ण सुजोग अच्छी गोटे सेकेंड टाइम पर आपको सुजोग मिली आए तो थर्ड टाइम पर न मिल पाए। ठीक अच्छे तो मुझे आशा कर बुझीपार। फ्रेंड्स ये थिला छोटिया अपडेट जे आपण माने एबे चाहिले मध्य जाकि आपणकर रिवर्टेड आप्लिकेसन को सबमिट करिपारिबे एवं आपण को निश्चित भाव आपणकर जो स्कॉलरशिप टंका जिते भी आसीबार थिबो सेटा आपणकर खाता को क्रेडिट हो जीवो। ठीक अच्छे तो जो मैंने भी एबे सुधा पाइनांती स्कॉलरशिप जातु जाकि आपणकर जो रिवर्टेड आप्लिकेसन को जल्दी सबमिट करनियंतु। ता पूर्व मन रखिबे बैंक रे जाकि लिंक निश्चित भाव करनेबे आधार कार्ड को NPCI लिंक करनेबे। ठीक अच्छे तो मुझे आशा करती आज वीडियो टी निश्चित भाव आपको किसी ना कि इनफर्मेसन देखिए एमती आपको देखिए भावुंत इनफर्मेसन तेल आप लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने सहित वीडियो को शेयर करने। धन्यवाद।